समझ आते आते ऑफ शोल्डर कोल्ड शोल्डर बैक कट ये वाले सारे कपड़े हमारी वार्डरोब में इतनी बढ़िया वाली जगह बना देते हैं ना तो पूछो ही मत. और उनको पहनना मुझे बेहद अच्छा लगता है मैचिंग इयररिंग्स वगैरह के साथ में. और हाँ, बन जरूर बनाती हूँ वरना वो इयररिंग्स वगैरह दिखते नहीं हैं और खुले बाल जी का जंजाल लगते हैं, स्पेशली जयपुर की गर्मी, क्योंकि दाल बाटी के बाद में वो ही सबसे ज़्यादा फेमस है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से वो इंटरेस्टिंग से हेयर हैक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे बढ़िया से क्रिएटिव से इंटरेस्टिंग से बन बनाने में. सो चलो बन बनाते हैं. टाइडी लुक के लिए बालों का सॉफ्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत ही नहीं है. बालों को वॉश करने के लिए मैंने यूज़ किया है सनसिल्क सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू और कंडीशनर. बेसिकली बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है, सिल्की बना देता है एंड दे फील रियली सॉफ्ट टू टच. दे फील रियली सॉफ्ट टू टच. द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज इसमें है एग प्रोटीन जो कि बालों के मामले में एक्चुअली बहुत अच्छा होता है. अब जो बाल इतने सॉफ्ट हो ही गए हैं सो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हैक में हम यूज़ करने वाले हैं एक ब्रेसलेट को डोनट बन के लिए. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अच्छे से ब्रश कर लीजिए अपने बालों को और उनको गैदर कर लीजिए सारे बालों को इनटू अ हाई पोनीटेल. पोनीटेल थोड़ी सी कस के बांधिएगा अच्छे से टाइट वाइट करके एकदम, है ना. उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक ब्रेसलेट. अब थिकनेस का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थिकनेस उसकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका बन बहुत ही मस्त बने, है ना. अब ब्रेसलेट को क्या करना है, आपको पोनी में से खींचकर और वहाँ पे ले आइए जहाँ पे आपने पोनीटेल को सिक्योर किया हुआ है. उसके बाद में पोनीटेल के जो बाल हैं उनको इवनली स्प्रेड करना है चारों तरफ ब्रेसलेट के और उसके बाद में एक क्लियर इलास्टिक वो लेके और बन को सिक्योर कर लीजिए. यहाँ पे आप देखेंगे एक बन जो है वो फॉर्म हो गया है ब्रेसलेट की शेप में. उसके बाद में जो भी एक्सेस हेयर बचे ना उनको दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करिए, हल्का हल्का सा ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट सेक्शन में बॉबी पिन या फिर यू पिन की हेल्प से उनको सिक्योर कर लीजिए, टक इन कर लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट. यहाँ पे आपका तैयार है डोनट बन और यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं चलेगा डोनट की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है. बाय द वे आपको तो पता ही है कि ब्रेसलेट था. अब हम बनाने वाले हैं एक ब्लिंग बन, तो देखते हैं ये कैसे बनता है. सबसे पहले आपको आपके बालों को ब्रश करना है, उसके बाद में जिस भी आपकी इच्छा के अनुसार जो भी पार्टिंग आपको अच्छी लगती है उसमें डिवाइड कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइड पार्टिंग में डिवाइड किया हुआ है. उसके बाद में अच्छे से सारे बालों को गैदर कर लीजिए एक पोनीटेल में और नीचे की तरफ लाइक एक लो पोनीटेल आपको बना लेनी है. अब पोनीटेल बन गई है, आपको पता ही है बन कैसे बनाना है, ठीक है. पोनीटेल को हल्का हल्का सा ट्विस्ट करते हुए घुमाते जाइए और बन बना दीजिए जैसे कि हम बनाते हैं और ये अपनी जगह पर लंबे टाइम तक टिका रहे. इसके लिए आपको उसको अच्छे से यू पिन और बॉबी पिन का इस्तेमाल करके सिक्योर करना है. अब आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल बन है, देखिए ट्विस्ट तो यहाँ आएगा. अब इसको थोड़ा सा ब्लिंगी इफेक्ट देने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कुछ ज्वेलरी का. अब ज्वेलरी में जो आपके इयररिंग्स हों जिसमें मोती लगा हुआ हो या फिर डायमंड्स वाले हों वो आप यूज़ कर सकते हैं. सो आपको इयररिंग्स से आपके बन को डेकोरेट करना है, आप रैंडमली भी कर सकते हैं. इसमें आपको किसी को कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस लगा दीजिए और यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा ये ब्लिंग बन, है ना. बहुत ही अच्छा आइडिया बन को एक्सरसाइज करने का. जो हमारे इंडियन आउटफिट्स होते हैं, ब्लाउजेस होते हैं, उनमें बेसिकली जो डीप नेक होता है ना उन आउटफिट्स पे ना ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है. सो अगली बार जब भी पार्टी में जाना हो ना तो उसको जरूर ट्राई करना. नाउ बिकॉज ऑफ सनसिल्क सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और स्मूथ बालों से हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा नीट बनता है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखें. तो चलिए अब एक बढ़िया से ट्विस्ट के साथ में ट्विस्टेड बन हो जाए. सबसे पहले अपने सारे बालों को ऊपर की तरफ ले लीजिए. आगे चाहें तो आप फेस को फ्रेम करने के लिए कुछ एक फ्लिक्स वगैरह निकाल सकते हैं. सारे बालों को जब आपने ऊपर की तरफ ले लिया है, सपोज आप पोनीटेल बना रहे हो लेकिन आप बनाओगे नहीं, बालों को होल्ड करे रखना है आपको और पीछे से सारे बालों को आगे की तरफ जो क्राउन सेक्शन है बिल्कुल आगे वहां पे ले आइए. विजुअल्स में आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे. अपने बालों का वो सेक्शन जो कि आपने होल्ड किया हुआ है उसको आपको टाई करना है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक. नाउ यहाँ पे आप देखेंगे जो सेक्शन क्रिएट हुआ है वाइट करते हुए फैन की शेप देते हुए इसको बॉबी पिन से दोनों साइड से सिक्योर कर लीजिए. आप विजुअल्स में देख सकते हैं. आफ्टर दैट जो हमारे आगे के बाल रह गए हैं उनको आपको दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है, उनको ट्विस्ट करते हुए क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में बॉबी पिन से और यू पिन से सिक्योर कर लीजिए. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपका जो सेक्शन है वो बिल्कुल पीछे तक जाएगा और अगर आपके बाल मेरी लेंथ के हैं तो आपका पीछे से भी क्रॉस होकर आगे की तरफ आएगा. सो इस तरीके से आपको इन बालों को अच्छे से सिक्योर कर लेना है एंड दैट्स अबाउट इट. इतना ही आसान है इस ट्विस्टेड बन को क्रिएट करना. बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत ही अच्छा लगता है, फेस को ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी सी शेप देता है और किसी भी आउटफिट आपका इंडियन हो या फिर वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ में आप इसको कैरी कर सकते हैं. आपकी ज्वेलरी, आपका आउटफिट, डिजाइन सब कुछ प्रॉपर दिखने वाला है. पर्पस कोई भी हो, कॉलेज में जाना हो या फिर पार्टी में, रिसेप्शन अटेंड करना हो या फिर कॉकटेल पार्टी, और हाँ शादियाँ कैसे भूल सकते हैं, तो
इन सारे बंस को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए और कुछ नहीं. और कितना आसान है इनको बनाना ये तो हमने देख ही लिया है ना. बहुत सिंपल येट सो शीक. इयररिंग्स वगैरह भी बढ़िया से दिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये सब तैयार होने का या इयररिंग्स मैच करने का कोई फायदा ही नहीं है जब वो सब कवर हो जाए. सो ये थे मेरे एवरीडे कूल बन हैक्स जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं सनसिल्क सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू से. बाल ना बिल्कुल भी ड्राई और डैमेज नहीं दिखते हैं जिससे ओवरऑल जो फिनिशिंग आती है ना हेयर स्टाइल की वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आपके क्या बन हैक्स हैं वो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जानकर. और मेरे बन हैक्स आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच.